हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हार्ट एट इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों, आज ये हमारा इस कंट्रोलर का तीसरा वीडियो है। इसके पहले हमने इस कंट्रोलर से आपका डिस्प्ले चला के दिखाया था और इससे आपका चार पार्ट का जो 1224 का गेट होता है वो चला के दिखाया था। आज दोस्तों हम इसी कंट्रोलर से आपको पांच पार्ट का जो गेट होता है उसको चला के दिखाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इस कंट्रोलर की खासियत की हम बात करें, जो लोग इस कंट्रोलर का ये पहला वीडियो देख रहे हैं उनके लिए हम इस कंट्रोलर की खासियत बता देते हैं। तो ये जो है हमारा ये वाईफाई का कंट्रोलर है, जिसमें कि आप इधर साइड देख रहे होंगे पोर्ट बने हुए हैं और इसमें एक मेमोरी कार्ड लगता है। ठीक है, तो ये वाईफाई मल्टी लैंग्वेज मेमोरी कार्ड का कंट्रोलर है। और सबसे खासियत इसकी ये है कि इसमें आप पांच पार्ट के, छह पार्ट के, सात पार्ट के, जो आपके 16 32 12 24, जब हम 12 24 बोलते हैं तो 12 लंबाई और 24 चौड़ाई पिक्सल की है। ठीक है, आप इसको 3 फीट बाई 6 फीट में, 3 फीट बाई 8 फीट में आराम से बना सकते हो। वो पैनल की साइज होगी, जो अभी हम आपको बताते हैं ये पिक्सल की साइज बताते हैं। ठीक, तो अगर हम 12 24 बोलते हैं तो वो 12 12 की 24 लाइन रहेगी एक सीट में। उस तरह के आप अगर पांच पैनल लगाते हो तो उसको आप इससे कंट्रोल कर सकते हो। ठीक, अब इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हो इसके बारे में अगर हम आपको बताएं, तो इसमें जो है इधर साइड डेटा बने हुए हैं। ठीक है, जो डेटा निकलेंगे, आप अगर पांच पार्ट का गेट बनाते हो तो आपके हर बोर्ड में कंट्रोलर से एक एक डेटा जाएगा, और उसके बाद जो आपका नेम चलेगा, जो उसके आपकी डिजाइन चलेगी, वो पूरी 3D में चलेगी। ठीक है, नाम जो चलेगा वो सेंटर वाली लाइन में चलेगा, पूरे बोर्ड में इधर उधर नहीं चलेगा, पूरा सेंटर में चलेगा। और उसके साथ ही साथ आपके पीछे बैकग्राउंड डिजाइन चलेगी, और जो आपकी जो भी डिजाइन रहेंगी, आपको कोई एनिमेशन डलवाना है, कोई वीडियो डलवाना है, कुछ भी डलवाना है, वो पूरा 3D में चलेगा। ठीक है, तो इस तरह का जो कंट्रोलर है वो अभी तक है नहीं मार्केट में, ये पहला कंट्रोलर हम लॉन्च किए हुए हैं। इसमें क्या होता है कि आप वाईफाई का गेट बना सकते हो, वाईफाई का डिस्प्ले बना सकते हो, और उसमें मल्टी लैंग्वेज से नाम डाल सकते हो। ठीक है, तो इस कंट्रोलर का ये तीसरा वीडियो हम आपके पास लेके आए हैं, जिसमें कि हम 12 24 के जो 3 फीट बाई 6 फीट के हमारे पैनल है उसके पांच बोर्ड हमने लगाए हुए हैं। उन पांचों बोर्ड को हम इस कंट्रोलर से आपको चला के दिखाएंगे और उसमें आपका वाईफाई से नाम डाल के दिखाएंगे। नाम जो है वो प्रॉपर सेंटर में चलेगा। नाम डालना एकदम आसान है, इसमें वाईफाई से कनेक्ट करिए और नाम डालिए। दोस्तों, जब भी हम वाईफाई का बोलते हैं तो ऐसा नहीं है कि वाईफाई आपके घर में लगा होना चाहिए या कि कुछ और होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इस कंट्रोलर में वाईफाई का चिप लगा हुआ है, आप मोबाइल से इस चिप को कनेक्ट करोगे और नाम डाल दीजिए, उसके बाद वाईफाई बंद कर दीजिए। हमेशा के लिए वाईफाई जोड़ के नहीं रखना है, इस कंफ्यूजन में आप नहीं रहिए। दूसरे वाईफाई की जरूरत इस कंट्रोलर के लिए नहीं पड़ेगी, इसमें खुद का वाईफाई है, आपको फोन से कनेक्ट करना है और उसमें नाम डालना है बस। ठीक है, डिजाइन ये जो इसका मेमोरी कार्ड है, 8 GB का मेमोरी कार्ड इसके साथ हम देते हैं और इसमें डिजाइन भर के देते हैं, तो आपको डिजाइन के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको जब कभी भी 2 4 5 फंक्शन आप एक डिजाइन पे चलाइए, फिर आपको अगर इसका डिजाइन चेंज कराना हुआ तो आप हमारे पास फोन करिए, हमारा नंबर ये रहा, और इस नंबर पे आप फोन करके हमारे से कॉन्टेक्ट करिए और बोलिए कि हमको डिजाइन चेंज कराना है, तो हम आपको डिजाइन भेज देंगे, तो आप डिजाइन चेंज करा सकते हो। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि हम खुद अपने मनपसंद की डिजाइन बनाएं, तो LED बिल्ड इसके सॉफ्टवेयर का नाम है, उस सॉफ्टवेयर से आप फ्री में अपने से इसकी डिजाइन बना के इस कार्ड के अंदर डाल सकते हो। ठीक है, तो इसकी डिजाइन बनाना, इसमें नाम डालना, इसका कनेक्शन करना सब एकदम ईजी है। दोस्तों, इस तरह के कंट्रोलर आने से अब आपके जो गेट के कनेक्शन हो गए हैं, आपको 3D गेट बनाना एकदम आसान हो गया है। तो आपको अगर पूरा बना बनाया गेट चाहिए, या कि ये कंट्रोलर चाहिए, या कि पिक्सल चाहिए, सप्लाई चाहिए, या कि पैनल चाहिए 3 फीट बाई 6 फीट के, या कि आपको केवल पॉली सीट चाहिए, तो हर तरह की चीजों के लिए आप हमसे इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो और इसको मंगवा के आप आराम से अपने घर पे ही गेट बना सकते हो।